मध्य प्रदेश देवास अनाज मंडी में आने वाले कई किसानों की सोयाबीन की नीलामी समय पर नहीं हो रही है। यह किसान सोयाबीन का ढेर मंडी के अंदर प्लेटफॉर्म पर लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन दो दिनों तक नीलामी नहीं की जा रही, जबकि वाहनों से उपज लाने वालों की नीलामी तुरंत की जा रही है। इससे नाराज किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित किसानों द्वारा मंडी के प्रांगण में नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की गई। किसानों का कहना था कि वो पिछले दो दिनों से अनाज लेकर आए, लेकिन अनाज की नीलामी नहीं हो पाई, जिससे परेशान होकर ताले लगा दिए गए। वहीं किसानों ने बताया कि उनके द्वारा जो फसलें बेची गई हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। किसानों द्वारा आक्रोशित होने पर मंडी अधिकारियों द्वारा नीलामी शुरू करवाई गई। पहले भी किसानों द्वारा पेमेंट नहीं होने को लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए और मंडी के गेट के बाहर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान मंडी के अंदर वाहनों का प्रवेश करीब आधे घंटे तक बंद रहा। किसान आए थे, अभी यहाँ पे गेट भी बंद कर दिया गया। किस लिए बंद करा था, क्या कारण है? किसानों ने बंद किया था कि कल जो ढेर लगे थे प्लेटफॉर्म पे, वो दो दिन के भी बिके ही नहीं है, और जो ट्राली के नंबर आ रहे हैं रोज के, वो बेच रहे और नीलामी ढेर की करी नहीं रहे। 10,000 नगद की बात हुई थी, 10,000 नगद भी नहीं दे रहे हैं, 1 रुपये नगद भी दे रहे। आपने बात करी किसी अधिकारी से भी? बोले कि सब RTGS हो खाते में आएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या? कपिल पटेल। कहाँ से हो? टकाचे। आपका कितना पेमेंट है? 20,000। कितने दिन हो गए पेमेंट को आपके? 4 दिन हो गए, RTGS भी नहीं हुआ है। कितने किसान परेशान हो रहे हैं यहाँ पे? सभी किसान परेशान है, बहुत सारे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।